अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज है 4.6 और क्वेश्चन है यूजिंग द अप्रोप्रिएट फार्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो चलें फिर आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 1104 मल्टीप्लाई बाय 1104 पिछले सवाल की तरह ही करेंगे। पहले हम इसे क्या कर देंगे, 1104 को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, 1100 एक तरफ कर देंगे और प्लस का 4 कर देंगे एक तरफ और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर वही सेम फार्मूला लगेगा एज वी नो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह आएगा 1100 और बी की जगह आएगा 4। तो 1100 का आ गया स्क्वायर प्लस 2, फिर आ गया 1100, फिर b की जगह आएगा 4, फिर b की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 1100 को 1100 टाइम्स करेंगे तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि ऊपर 2 है। 1100 मल्टीप्लाई बाय 1100 तो हो गया 121, फिर आए 40, 121 40, ठीक है। फिर प्लस, फिर 2 को 1100 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1100 फिर मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ गया 8800, 8800 प्लस 4 जा 16। अब इन तमाम को प्लस करेंगे, 1 2 1 1 2 3 4 0 हो गए, फिर प्लस 8800 प्लस 16 तो आंसर क्या आ गया, 1 2 1 8 8 1 6, 1 2 1 8 8 1 6 आंसर। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को कर दें आप सब्सक्राइब और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।